I don't know what I'm feeling, but you know, एक होता ना यार, लाइक ऑर्गेज्म में टाइप ऑफ आई एम सो हैप्पी भाई, आई एम सो हैप्पी. बाकियों का नहीं पता, बट मेरी लाइफ में इस चीज़ को नो वन कैन रिप्लेस दिस. मैं बाइक और स्टेज के बिना मैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. उनका वो नशा है, आपका कुछ और नशा होगा, मेरा ये नशा है. सो यस, बैग इज माउंटेड. ये वाला बैग अपने चेस्ट पे जाएगा. ग्लव्स, हेलमेट एंड बाइक इज कोल्ड स्टार्टिंग नाउ. लेट्स गो. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सुशांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स. एंड इट्स 5:04 AM. मुझे एक्चुअली में 4 बजे निकलना था, बट नींद नहीं खुली. मेरी नींद खुली है 4:10. उसके बाद में थोड़ी बहुत पैकिंग वैकिंग बची थी, वो सारी पैकिंग की, और उसके बाद अब हूँ मैं रेडी एकदम पूरी तरीके से घर निकलने के लिए बेसिकली. और हाँ, बाय द वे, आज का मैं एक नया रूट ले रहा हूँ, दैट वुड बी यहाँ से सोना एंड पलवल होते हुए. ये रूट मुझे बेसिकली 30 किलोमीटर और 30 मिनट की बचत देगा. सो इसे यहाँ से सीधा मैं सोना से पलवल, पलवल से अलीगढ़ होते हुए निकल जाऊँगा. वैसे मैं क्या था, मैं यहाँ से दिल्ली जाता, दिल्ली क्रॉस करता था एंड फिर नोएडा एंड उस तरीके से जाता था. वो मुझे 30 किलोमीटर का जो है एक्स्ट्रा मुझे पैच पड़ता था, और 30 अलग अलग आधे घंटे की ज़्यादा की जर्नी रहती थी. ये वाला रूट मेरे लिए नया होगा और मॉर्निंग का टाइम है, तो एंड आई होप सो कि यार रोड अच्छा हो, ज़्यादा बीच में दिक्कत ना आए. तो चलो, बाकी का मिलते हैं आप लोगों से रोड पे. लेट्स गो. यस सर, राइट नाउ आई एम ऑन गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे एंड स्ट्रीट लाइट्स आज पता नहीं क्यों बंद है. सुबह का टाइम हो गया भैया 5:12 का. एंड यस, हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है बढ़िया वाली. काफ़ी टाइम के बाद में मैं वापस घर जा रहा हूँ. ये 23 की मेरी पहली राइड है. अभी मैं जिस रीजन में हूँ यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपनी अरावली हिल्स का एरिया स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर फॉरेस्ट, मतलब मेरे दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ में केवल जंगल है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर. ये रहा हमारा रोज का आटा भाई, मतलब ऑलमोस्ट रोज का आटा. जब भी मन करता है भाई कि मतलब बोर हो रहा हूँ या मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने का, मन रात के 2 बजे हो 3 बजे हो 4 बजे हो, बाइक उठाओ, गाड़ी उठाओ, जब गाड़ी होती है गाड़ी उठाओ, बाइक होती है बाइक उठाओ, और आराम से आ जाओ यहाँ पर बैठो, आराम से चला कर. दिस इज़ अ लाइक बाइकर्स कैफे, तो बढ़िया जगह है, चिल जगह है, मस्त आराम से. यहाँ पर केवल और केवल बाइकिंग का ही कॉन्सेप्ट मिलेगा भाई. और अगर आप गलती से, अगर आप सैटरडे और संडे की मॉर्निंग में आ रहे हो 6-7 बजे के आस पास, अभी सर्दियाँ चल रही है तो 7 बजे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम 100 सीसी की तो मेरी बाइक होती थी बेसिकली, तुम 300 सीसी से लेकर के अब 2200 सीसी तक की हर एक बाइक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी. इफ़ यू आर अ बाइक एंथुसियास्ट देन दिस इज़ दी हाईली रिकमेंडेड एंड दिस इज़ दी मस्ट विजिट प्लेस. तो चलो जी, अभी हम आ गए फिर से अंधेरे में और हम निकलते हैं फटाफट से. दिस इज़ गोइंग टू बी आर फर्स्ट टोल प्लाजा ऑफ द डे. ये पड़ता है हमारा गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे पर. ये वाला हमें रोड कनेक्ट करता है डायरेक्टली फरीदाबाद गुड़गांव से सीधा आगरा के लिए NH-19. और भाई क्या ही मक्खन रोड है यार, मतलब आई डोंट नो यार मैं पहले क्यों नहीं आया. मे भी हो सकता है ऐसा हो कि यार पहले मुझे ये डर रहता था कि ये पहाड़ी वाला एरिया पता नहीं कैसा एरिया होगा, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कभी आया था. बट डूड, आज के बाद मैं नोएडा दिल्ली से तो नहीं जा रहा, क्योंकि वो वाला GT रोड है ना, तो वो इतना अच्छा बना नहीं है अभी तक, उसमें काम चल रहा है. ये भाई मक्खन है, मतलब बाइक स्लाइड हो रही है. एंड दिस इज़ पलवल अलीगढ़ हाईवे, और इसमें दिक्कत ये है कि ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर जो है ना दिक्कत होने वाली है इस रोड पर. लेट्स गो, देखते हैं कैसा क्या रहता है इसका एक्सपीरियंस. अच्छा है कि रात में ज़्यादा हमें नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह के 6:30 बज गए, दिन निकल आया है. इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, चाहे आप गाड़ी चलाते हो चाहे बाइक चलाते हो, प्लीज़ भाई हाईवे में मत चलाया करो, सामने वाला अंधा हो जाता है. देखो अभी इसने ट्रक वाले ने हाईवे में देखो ऑन की, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा. अब वही दिक्कत होती है
क्या बोला जाए भाई, लोगों को कैसे समझाया जाए, आई डोंट नो। पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं भाई, हाईवे में गाड़ी चलाते हैं पता नहीं क्यों। भाई इस वाले रोड से आने की मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ कि बहुत सारे गड्ढे आए, तो गड्ढों में कई बार बाइक गई और मुझे बस ये डर है कि मेरा एलॉय बैंड ना हुआ हो कहीं भी। भाई आगे वाले, पीछे वाला तो ठीक है, आगे वाला और देख रहे तो आगे वाला कहीं बैंड हुआ है, कहीं नहीं बैंड हुआ, एकदम सही है। भाई बैग देखो, बैग की क्या हालत हो गई, इस साइड में पूरा गिर गया बैग। दिस इज़ अ हरियाणा यूपी बॉर्डर। सो यस, मैं हरियाणा से निकल के अब मैं यूपी में आ गया हूँ। ओ भाई अभी पता क्या हुआ था, जैसे ये पीछे पिकअप खड़ी थी ना, तो जैसे इस वाली पिकअप के अंदर भैंसें थी ना, सेम एक और पिकअप थी उसके अंदर भी भैंसें थी, और लगभग मुझे लगता है कि चार चार भैंसें थी इनकी एक एक पिकअप के अंदर। PCR वाले ने इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए, इन्होंने हाथ निकाला बाहर, 500,000 जो भी किए होंगे मुट्ठी वाले, मुट्ठी में बस रोकी भी नहीं गाड़ी इन लोगों ने, पकड़ाए और ये निकल गए। बस मैं यार रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसी टाइम पर मैं निकल रहा था, ये तो मज़ा आ जाता भाई। मतलब एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन इंडिया, बॉर्डर क्रॉस करना रूल्स तोड़ना इतना बड़ा कोई मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रूल्स तोड़ना इंडिया के लिए कॉमन चीज़ है। सो आप आसानी से आप रूल्स तोड़ सकते हो, आप एनिमल ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो हरियाणा से यूपी के अंदर, आराम से बॉर्डर क्रॉस करके लेकर के आ सकते हो। और जो ये वाला जो बॉर्डर है पलवल अलीगढ़ वाला, ये आता है जैसे यमुना जी को हम क्रॉस करते हैं ना, यमुना रिवर को क्रॉस करते ही हरियाणा बॉर्डर ख़त्म हो जाता है और यूपी का बॉर्डर चालू हो जाता है। बाकी ये देखो यार कुछ ऐसा सीन है कि जब तक आप हरियाणा में रहते हो तब तक बहुत ज़्यादा गंदे रोड है, आप यूपी में आओगे तो अच्छे रोड मिल जाएंगे जैसा अभी मुझे मिल रहे हैं, नहीं तो भाई हरियाणा में हालत ख़राब होगी। तो मुझे तीन जगह इतने बड़े बड़े गड्ढों के अंदर मेरी बाइक गई है ना, मुझे लगा आज तो बेटा एलॉय बैंड हो गया अच्छे से, बट शुक्र है कि यार एलॉय बैंड नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और अभी क्या, अभी आपको देखो डिवाइडर भी बीच में मिलने लगे, ठीक है, वहाँ पर डिवाइडर भी नहीं थे, वहाँ पर सिंगल ऐसे ही एक रोड बना हुआ, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जो भी है जैसा भी है, अभी हमें अलीगढ़ के लिए दिखा रहा है 50 किलोमीटर और, तो चलो अलीगढ़ पहुँचते हैं। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, और पूरा लेडीज़ एंड जेंटलमैन बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम भैया टप्पल क्रॉस कर चुके हैं और ये आ गया हमारा यमुना एक्सप्रेस वे, जो ग्रेटर नोएडा सीधा दिल्ली, जो ग्रेटर नोएडा सीधा आगरा के लिए कनेक्ट होता है। सो यस, चलो जी अब उम्मीद है कि यार चाय मिल जाए, क्यों मुझे ना भूख सी लग रही है, तो सोचा चाय वाय कुछ मिल जाए बेटर रहेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, हमें भैया टप्पल जस्ट हमने फ्लाई ओवर क्रॉस किया एक्सप्रेस वे वाला, और यहाँ पर रुके हुए चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। रूम से जब निकला था तभी से मुझे भूख लगी हुई थी एक्चुअली में, तो मैं कुछ खाऊंगा हल्का सा और चाय पीऊँगा। और ये देखो सर्दी से बचने के लिए सिंगल लेयर एंड डबल लेयर एंड उसके अंदर अपना लाइनर भी है, मतलब थ्री लेयर, ये तो अपनी थ्री लेयर और उसके ऊपर से जो है अपनी ये जैकेट। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो लेग्स की होती है, तो लेग्स में हमने जीन्स के ऊपर पहन रखा है जो अपना रेन कवर होता है वो, इसमें भाई ये मतलब तुम ऐसे समझ लो ये जो रेन कवर होता है ना ये इतना अच्छा जुगाड़ है ना, मतलब सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है भाई, बड़े आराम से बिल्कुल ठंड नहीं घुसती है, क्योंकि पानी नहीं घुसता तो ठंड क्या घुसेगी। और आज के नए रूट की अगर हम बात करें तो भैया एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब थोड़ा अच्छा थोड़ा ख़राब वाला सीन था। पलवल तक एकदम मक्खन रोड था, NH 19 जो आगरा वाला है बहुत मक्खन रोड था, एकदम प्यारा बढ़िया 80-85-90 की स्पीड से आराम से मैं कंटिन्यू आस आया। और उसके बाद में जैसे हम पलवल के लिए जैसे हम मुड़ते हैं ना, जैसे हम उतरते हैं उस वाले NH 19 से और वहाँ से लेकर के हरियाणा बॉर्डर तक, बेसिकली यमुना रिवर क्रॉस होने तक बहुत गंदा रोड है, कसम से बता रहा हूँ। अगर आ रहे हो तो ये 16 किलोमीटर का पैच जो है बचा करके आना, मतलब ध्यान रख करके आना, और उसके बाद में फिर यूपी चालू हो जाता है, तो रोड बहुत अच्छा है। चाय आ चुकी है, अभी चाय पीते हैं आराम से चलेंगे। सेकंड बैड न्यूज़ ऑफ द डे, क्योंकि फर्स्ट वाली से जो अपनी वो 16 किलोमीटर का पैच जो था हरियाणा वाला पलवल से उतरने के बाद में, वो वाला सेकंड बैड न्यूज़ जो है कि बारिश हो रही है घर पे, तो रास्ते में हमें दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। अपने को और कोई दिक्कत नहीं है बारिश से, बस ये दिक्कत है जो पीछे वाला जो अपने बैग जो बांधा हुआ है ना उसमें दिक्कत है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ नहीं ना वाटर रेजिस्टेंट है, तो उसके अंदर पानी घुस जाएगा और कपड़े सारे के सारे हो जाएंगे गीले, और भी सामान रखा हुआ है, बस उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ेगा, दैट सेट। क्योंकि जैकेट मेरी वाटरप्रूफ है, मैंने रेनकोट अपना पैरों पे तो मैंने पहन ही रखा है, जूते मेरे वाटर रेजिस्टेंस है,
मेरा जो आगे वाला बैग है, जो मेरा लैपटॉप बैग है, वो भी वाटर रेजिस्टेंस है, तो मुझे कोई, और ग्लव्स तो ही मेरे पास में वाटर रेजिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उस वाले बैग के चक्कर में दिक्कत होगी, देखते हैं। अपना ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो गया भैया, टाइम हो गया अभी का 7:20, 25 मिनट। पहले अपने को जो अलीगंज पहुंचने का टाइम दिखा रहा था, दैट वाज 10:46 एंड नाउ इट इज़ शोइंग 11:03। तो बेसिकली 15 से 18 मिनट का अपने को जो है यहाँ पर टाइम लग गया, क्योंकि एक्चुअली इनके पास में चाय थी नहीं, ये बना रहे थे, तो मैं सोचा अब कहाँ एक जगह रुकी गए, तो बार बार क्यों वो करना चाहिए, तो दैट्स वाई यहीं पर रुक गया। बाकी कवर कर लेंगे, और जो न्यूज़ है अपनी बारिश वाली, वो डिपेंड करेगी कि हम किस टाइम पर पहुँचते हैं घर पर। लेट्स गो। टाइम 7:35 AM एंड टेम्परेचर इज 12 degrees एंड स्पीड इज 75। मैं अभी से बोल रहा हूँ भाई, ये वाला रोड मैंने, दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो मैंने लिया है, अब नहीं ले रहा, क्योंकि जैसे ही मैं चाय पी करके निकला, उसके 2 किलोमीटर के बाद इतना गंदा रोड आया भाई, कम से कम 4-5 किलोमीटर का, और उसके बाद में आकर के ये आ रहा है, और वो भी इसमें ऐसा रोड है कि यार लोकल डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है ना, वो वाला रोड है, और इससे फार फार बेटर है हमारा जीटी रोड, क्योंकि वहाँ पर डिस्टरबेंस, ये जो सिक्का है, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये वाली डिस्टरबेंस बहुत ही रेयर कंडीशन में होती है, बहुत ही कम होता है वहाँ पर। आप कॉन्स्टेंटली आप चलते रहते हो, इसकी तरह नहीं होता कि यार पता लगे 4-5 किलोमीटर तक रोड ही ख़राब जा रहा है, भैया खड़े धीरे धीरे चल रहे, भैया 40 में चल रहे, 35 में चल रहे, क्या करें भैया, कैसे निकले, वो वाला सीन नहीं होता है। टैंक एम्प्टी हुआ अपना भैया 525 पे, अभी रिजर्व में चल रही है, तो चलो यहाँ से हम टंकी फिल कराएंगे। नायरा ये मैंने पहली बार मैंने ब्रांड देखा है, क्योंकि अभी तक क्या था, भारत पेट्रोलियम और यही सारे रहते थे, बट ये नायरा मैंने पहली बार देखा है। आज इसका पेट्रोल ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने का एवरेज देगी हमारा नायरा वाला। लेट्स सी कितना हो गया, 9 लीटर पूरा कर दो, ठीक है, बस करो, कार्ड पेमेंट कर दूँगा। 9 लीटर की अपनी टंकी फिल, 9 लीटर पेट्रोल के अंदर अपनी बाइक चलनी चाहिए अप्रॉक्स 630 किलोमीटर, क्योंकि 70 का एवरेज देती है मेरी बाइक। लेट्स सी इस वाले पेट्रोल पंप से भराएगी पेट्रोल से कितना हमारा एवरेज आता है बाइक का, और कितने किलोमीटर चलती है 9 लीटर पेट्रोल। लेट्स सी। 8:40 AM लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड मैं अलीगढ़ बाईपास में हूँ, ऑलमोस्ट मैंने अलीगढ़ बाईपास क्रॉस कर लिया है। ठंड का मौसम और खस्ता कचौड़ी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ठंड का मौसम और खस्ता कचौड़ी। इधर अपनी बाइक खड़ी है, अभी की दुविधा यह है कि यार बारिश आ गई है, हल्की हल्की से देखो बूंदें गिरने लगी हैं, 2-4 रास्ते में बारिश मिलेगी तो रुकूंगा कहाँ, या तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा, लेकिन पॉइंट ये है यहाँ मैं कितनी देर रुकूंगा, आगे ही चलता हूँ। साइबर पर अभी कुछ पैच ऐसा भी है जिस पर अभी काम चल रहा है, जैसे कि ये वाला पैच है, इसमें देखो रोड पूरा बन गया, सारी चीज़ें होंगी, बट अभी तक ओपन नहीं किया गया है। तो यस, अलीगढ़ के बाद में जो सबसे मेन पैच होना चाहिए, जो सबसे मेन बाईपास है सिकंदरा राव का, वही वाला नहीं बना, बाकी पूरा हाईवे बन गया भाई, पूरा हाईवे चालू है। जो सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही छोड़ दे, इट्स लाइक कि भैया तुम एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम में तुमने सारा सिलेबस कवर कर लिया, बस वो छोड़ दिया जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाला है। सो इट्स लाइक दैट, जो मेन चीज़ है उसको छोड़ के बाकी पूरा बना दिया है। बट ठीक है यार, लग रहा है उम्मीद कि एक साल में बन जाएगा ये भी, एक साल नहीं 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए। लेट्स सी, NHAI के ऊपर भरोसा है अपने को,
मतलब ये समझ लो भाई साहब, कोरोना से पहले जितना चौड़ा ये रोड है ना, बस इतना ही रोड था कानपुर से लेकर के अलीगढ़ तक पूरा। इतना लंबा रूट केवल ऐसा ही था। और जिस तरीके का ये टूटा फाटा है ना, ये फिर भी ठीक है, वो वाला रोड तो भाई बहुत गंदे गंदे गड्ढे होते थे, ट्रक बस पता नहीं भाई। पहले तो मैं भी मतलब मैं बस से ही जाता था, बट अब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोचो भाई कैसे निकल जाते थे यार। बट डूड अभी ठीक है, बस इतना वाला पैच बचा है, ये सिकंदराव बाईपास ये और बन जाए तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगी अपनी। इसकी क्रॉसिंग का मतलब मान लो ट्रेन अगर निकल रही तो उस टाइम पर अगर फाटक बंद हो गया, बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है, मतलब ये पूरा भर जाता है, वो अपने आप में एक अलग क्यूस होता है भाई। और इन सब चीज़ों से निजात पाने का एक ही सोल्यूशन है कि भैया ये जो बाईपास बन रहा है ये फटाफट से बना करके चालू कर दो, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो जी फाइनली वो वाला रोड खत्म हुआ भाई, यही तक का मतलब यहाँ से लेकर के जहाँ से हम एंटर, यही वाला बाईपास अगर यार बन जाए ना तो भाई मज़ा सा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। चलो जी ये लगा लो जितनी देर में ये पूरा बाईपास क्रॉस करता मैं, उससे कम से कम चार गुना मिनिमम चार गुना टाइम ज़्यादा लगा है मेरे सिकंदराव जब अंदर से आए, और अभी डिस्टेंस बाईपास की ज़्यादा होगी और इसकी कम थी, बट इससे चार गुना टाइम लगा है, क्या कर सकते हैं भाई। इट्स टाइम टू एग्जिट दिस हाईवे और चलो हम अपने डिस्ट्रिक्ट रोड पर चलते हैं। यार टेक्निकल टर्म्स में भूल गया हूँ एक्चुअली, में सिविल में ना ये सारे सारे हाईवे, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट होता था हाईवे, उसके अंदर रोड से रिलेटेड ही हर चीज़ पढ़ाई जाती थी, मतलब हर टेक्निकल टर्म्स से लेकर हर चीज़ एकदम डिटेल में, तो इसके ना टेक्निकल नाम भूल गया, बाकी डिटेल्स तो याद है। एटा के लिए राइट हो गया, अलीगंज के लिए लेफ्ट हो गया, तो चलो जी हमको मुड़ना है यहाँ से अब लेफ्ट की साइड में। तो बारिश हुई है, देखो सही भूल रहे थे यार, घर से ना सुबह जब फ़ोन आया था कि बारिश हो रही है तो गलत टाइम पे निकला है। अरे मोर 45 किलोमीटर्स टू गो घर के लिए। ओ फक भाई, बहुत बड़ा गड्ढा था बीचों बीच ब्रिज में, बाप रे। अरे स्कॉर्पियो भगा लो, कहाँ कर रहे हो, भगा लो ना है स्कॉर्पियो लिए, कहाँ है तो बेइज्जती करवा रहे हो स्कॉर्पियो के भाई, ऐसे मत करवाओ। नहीं भगाओगे ठीक है, हम भगा लेते हैं फिर, मत भगाओ यार थोड़ा गाड़ी आने भाई। इतनी ठंड हो रही है सुबह, इतनी ठंड से मैं बाइक चला रहा हूँ, और यहाँ पर तो बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, पीछे भी मार्केट पड़ा था, मार्केट पूरे भाई साहब रोड में पानी भरा हुआ था, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है इतनी ठंड में, और मैं बाइक चला रहा हूँ। पिछले मैं मुझे लगभग 280 किलोमीटर हो गए हैं चलाते हुए, स्टिल पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी जॉयफुल, आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग, बट यू नो एक होता ना यार वाओ, भाई मजा आ गया वाओ, इट इज सच अ लाइक ऑर्गेजमिक टाइप ऑफ, आई नो मतलब ये वर्ड किसी और चीज के लिए, बट स्टिल इट इज ऑर्गेजमेटिक भाई, अलग लेवल का भाई मजा आ रहा है, मस्त। मोर 15 किलोमीटर्स टू गो, आई गेस 15 भी नहीं होगा, आई थिंक 10-12 बचा होगा अभी घर पे पहुंचने में, तो चलो जी चलते हैं। ओ मैन, ओह आई
आई एम सो हैप्पी भाई। और मुझे पता मैं घर जैसे पहुंचूंगा मम्मी जो सुनाएंगी मुझे, क्योंकि सबने बोला था कि बस से आना ठंड होगी, बट क्या ही बोलूं भाई, कैसे मम्मी कैसे समझाऊं कि यार क्या ही खुशी मिलती है भाई बाइक चला के। देख रहे हो पानी पूरा भरा हुआ है भाई रोडों पर, और मार्केट में तो वहाँ तो पूरा ही भरा हुआ था, काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे। दीदी से बात हुई थी तो दीदी बोलने कह रही थी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब सुबह मुझे बात हुई तो वही वाली बारिश है भाई, काफ़ी बारिश हुई है। बट जो भी है आई एम हैप्पी, बट मेरे को नहीं पता, फक इट लेट्स गो। तुम जॉब कर लो, पैसा कमा लो, तुम सब कर लो भाई, इस चीज़ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता कोई भी, मतलब बाकियों का नहीं पता बट मेरी लाइफ में इस चीज़ को नो वन कैन रिप्लेस, दिस फीलिंग नो वन कैन रिप्लेस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथी बीवी कुछ नहीं, जॉब कुछ नहीं, पैसा नहीं भाई, ये जो आता है ना, देखो मेरी लाइफ में दो और है। देखो मेरी लाइफ में दो ऑर्गेजम है, नंबर वन इज बाइक राइड एंड नंबर टू पे जो दूसरा ऑर्गेजम आता है दैट इज़ कि स्टेज पे खड़े हो और जब सामने ऑडियंस होती है 500 700 हज़ार की जब ऑडियंस होती है और अपने आर्टिस्ट वगैरह को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ पर, जब वहाँ पर ऑडियंस चिल्लाती है ना पूरी 700 800 लोग जब एक साथ चिल्लाते हैं नाम तुम्हारा, वो जो रेस्पेक्ट वो जो चीज़ मिलती है, ये दोनों चीज़ों के आगे मेरे लिए भाई हर एक चीज़ थी। तुम कुछ भी ला करके दे दो ये दोनों चीज़ों को वो रिप्लेस नहीं कर सकती कुछ भी अभी तक के रिकॉर्ड में, आगे का पता नहीं। बट डूड क्या बोल रहे भाई, वट एवर इट इज भाई, यस थैंक यू गॉड, थैंक यू, जय भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, ऐसी कृपा बनाए रखो मेरे ऊपर और ऐसे ही मैं बाइक राइड्स करता रहूं और शोज़ करता रहूं, अलग अलग आर्टिस्ट को मैं रिप्रेजेंट करता रहूं, जो स्टेज और बाइक ये दोनों चीज़ें मुझसे मत छीनना, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 6 महीने मैंने जॉब करके देखी, उसके अंदर मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई मैं बाइक और स्टेज के बिना मैं ज़िंदगी बेकार है मेरी, मैं जी नहीं सकता हूं। मेरे लिए 6 महीना काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जब मैंने जॉब किए थे 6-7 महीना मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बाइक रहे थे, बाइक क्या ऑफिस जाना फिर वापस आना, इतनी बाइक चलती थी, ट्रैवलिंग और मेरा स्टेज ये दोनों चीज़ें छूट नहीं थी, तो मैं आधा हो गया था भाई कसम से बता रहा हूँ आधा, दिस इज व्हाट इट इज। तुम में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि क्या पागल है इंसान है, ठंड में बाइक चलाता ये कर, देखो जो भी यार सबका अपना अपना एक पागलपन होता है, मेरा ये पागलपन है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि देखो नशा मेरा यही है, नशे करने के लिए मैं दारू भी पी सकता था, मैं गांजा भी पी सकता था, मेरे दोस्त पीते हैं उनके साथ में रहता हूँ बट मैं नहीं पीता हूँ, और उनका वो नशा है आपका कुछ और नशा होगा, मेरा ये नशा है। सो यस तो भाई इस तरीके का पत्थर पड़ा हुआ पिछले 2 किलोमीटर से, पूरे 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर भाई ऐसा ही पत्थर पड़ा हुआ घर तक, बहुत दिक्कत हो रही है।